आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जुले समझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी ले आपको मैं चुनने जाने पर बहुत मुबारक। तो आने वाले काउंसिल इलेक्शंस में एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपका क्या क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले फोकस न्यूज़ को धन्यवाद। मैं कल ही इस सीट पे कार्यरत हुआ हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे से जितना भी कैपेसिटी के अंदर, मेरे कैपेबल कैपेसिटी के अंदर जितना हो सके इस पार्टी को आने वाले जो आगामी जो इलेक्शन लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल का जो छठा इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बहुत सारी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं। तो मैं एज अध्यक्ष, एज ए पार्टी अध्यक्ष, मैं सारे मंडल्स और बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता है और एग्जीक्यूटिव जो हमारे पार्टी के अंदर है और ऑनरेबल काउंसलर्स सबको अपने तरफ से बहुत बहुत मैं कोशिश करूंगा कि वो पार्टी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अपने संज्ञान में लाए, उन पर ध्यान दें। और आगामी जो अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो डिक्लेयर किया है कि लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल का जो छठा इलेक्शन होगा वो बखूबी अच्छी तरह बिल्कुल एक शांतिपूर्वक इलेक्शन हो, तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आजकल भारतीय जनता पार्टी का जो एक सालों में जो यूटी बनने के बाद एक तो बहुत बड़ा तोहफा नरेंद्र हमारे मोदी साहब ने जो लद्दाख को अपना एक अनोखा एक क्षेत्र समझकर हमारे तरफ लद्दाखियों के जो दुख समस्या जो 70 सालों से जो हम भुगतते आ रहे हैं उसमें उन्होंने चार चांद लगा दिए हैं। हमें यूटी मिला है, यूटी मिलने के 21 साल के अंदर बहुत बहुत उन्होंने घोषणाएं की हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल चलो लद्दाख एक बड़ी बात है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है और जैसे दर्जा देने के बाद कई करोड़ रुपये का उन्होंने हमें पैकेज दिए हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का वर्क हमारे ग्राउंड लेवल पे अभी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह हमारा एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटीज है, सुआरिपा है, इस तरह अनगिनत जो स्कीम्स जो उनके मंत्रालय द्वारा हमें दिए गए हैं उन सब पे हर एक जो बशिंदे जो है हमारे लद्दाखी लोग उसमें फ़ायदा उठा रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे इस स्कीमों का बाखूबी लद्दाखी लोग फ़ायदा उठाए और बीजेपी के साथ हमेशा जुड़ता रहे और लद्दाख को एक नई दिशा पे ले जाए। बाद में अब कई मसले आए, कई जो चैनल द्वारा मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि उसमें क्या क्या हमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें कुछ नहीं आएंगे, आजकल सारे लद्दाखी जो है बीजेपी का जो एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी का एक पूर्ण एक ट्रांसपेरेंस एक पारदर्शी जो हमारा एक पॉलिटिकल एक फिगर रहा है उस पर लोग विश्वास करेंगे और आने वाले आगामी जो चुनाव 6 LHC का जो है 26 के 26 सीट जो है ना लद्दाख हमारे बीजेपी के झोली में आएंगे। क्योंकि आजकल बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अभी हमारे स्टूडेंट जो तबके के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, एमए है, एमबीए करके या डॉक्टर मास्टर डिग्री करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहा है कि वो सोचते हैं कि पॉलिटिकल एज ए करियर तो भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वो अपना एक अपना दृष्टिकोण जो भारत सरकार में अपना योगदान देंगे और लद्दाख को उन्नति की बात पर ले जाएंगे। बाकी चैलेंज रहा कई हमें चैनल हमें मेरे को मुझे क्वेश्चन पूछे गए कि आप इस डोमी साल का क्या होगा, सिक्स शेड्यूल का क्या होगा। सिक्स शेड्यूल का मैंने कल भी एक किसी चैनल का मैंने अपना 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 व्यू अपना विचार मैंने व्यक्त किया है। तो सिक्स शेड्यूल में कहीं जो जिस तरह सुना मंचू जी की अध्यक्षता में उन्होंने भाई बहुत कोशिश की है और हयाल जो है उनकी तरफ से कई राज्यों में जहाँ पे सिक्स शेड्यूल जहाँ पे लागू है वहाँ पे अपना एक्सपर्ट अपना एक टीम भेजे गए थे। तो उनके सब इकट्ठा होने के बाद एक्यूमुलेशन जो है बाद में झोली में क्या पड़ा कि हालांकि ठीक है सिक्स शेड्यूल कई कई जो राज्य में अभी लगे हुए हैं उनकी टोपोग्राफी और उनके कल्चर के मुताबिक उनको फिट बैठता होगा। लद्दाख में ये सब दौर चला था, आप लोग आपके चैनल को भी पता है सब ऐसा उनको सिक्स शेड्यूल में चलाने के बाद उनको विचार विमर्श करने के बाद
नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला था, निकला भी नहीं है। तो लास्ट में अंततः लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने हर एक जो हमारे शिया मुस्लिम हो या सुन्नी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या हिंदू महासभा हो या लद्दाखी जो बुद्धिस्ट हो, सबको अपने एक अम्ब्रेला के अंदर ला के एक उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर हायर किया था। उन्होंने सभी लोगों को बुलाकर सिख शेड्यूल में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सभी को बाखूबी उनके द्वारा समझाया गया था। पॉलिटिशियन सर हमारा इंस्टीट्यूट जो है कांग्रेस बीजेपी पीडीपी सभी लोग उनके आए थे। तो अंततः अभी तक उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जिस अब शेड्यूल अलग अलग फिफ्थ सिक्स थर्ड सब शेड्यूल में आर्टिकल अलग अलग उनका है, तो जो आर्टिकल लद्दाख के फेवर में है, जो लद्दाख के उसमें सूट बैठता है, उन्होंने ये परामर्श किया था कि वहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेके आप भारत सरकार के गृह मंत्री को एक मेमोरेंडम एक अपना प्रपोजल दें। तो अभी तक कोई भी इस तरह एक फ्रूटफुल उसमें नतीजा नहीं निकला। तो आने वाले टाइम पे आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे डीजीपी को इलेक्शन लड़ने में वो फायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा। अब डोमिसाइल की बात हो तो मैं कहूँगा कि अभी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वहाँ पे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर जी ने ये कहा था कि लद्दाख में जो सेफ गार्ड लेह सेफ गार्ड सभी बाखूबी अच्छी तरह होगा और दोनों काउंसिल को ले और करगिल को एक स्ट्रेंथन करेंगे, उनको इम्पावर किया जाएगा, उसमें सब सेफ गार्ड रहेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना पद पर रहने वाला एक हमारा महामहिम राज्यपाल ने ये बोला कि सारा लद्दाखियों का जो हित जो है वो आने वाले टाइम पे भारत सरकार उनको प्रदान करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को संदेह और डाउट नहीं होना चाहिए कि आने वाले टाइम पे लद्दाख को एक अच्छी तरह एक हमारा प्रशासन हमारा खड़ा होगा, लोगों में एक भाईचारा रहेगा और लोग लद्दाख को बीजेपी के झंडे के नीचे एक कदम बढ़ाने का और प्रगति करने का एक बाखूबी एक अच्छा सुनहरा मौका अवश्य मिलेगा।